जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखना। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम यह तो जानते हैं कि प्रकृति प्रभु श्री जी के अनुकूल ही रहती है। इसके दर्शन आज श्री विट्ठलनाथ जी गुसाई जी के उत्सव पर श्रीनाथ द्वारा में साक्षात हुए। पिछले कई वर्षों में आज सबसे घने कोहरे ने नाथ द्वारा को अपने आगोश में लिया, लेकिन केवल श्रृंगार दर्शन के पश्चात से लगाकर राजभोग के अनोस्वर होने तक। संदर्भ यह है कि आज जलेबी उत्सव से प्रभु श्रीनाथ जी स्वाग सोंठ अरोगना प्रारंभ करते हैं और नाथ द्वारा में कहावत है कि प्रभु श्री जी जब स्वाग सोंठ अरोगते हैं तो शीत तीखी पड़ती है। और आज की इस घने कोहरे की विशेषता यह थी कि तीखी ठंड भी साथ में थी। इस घने कोहरे के बीच प्रभु श्री जी को विविध सामग्रियों के साथ जलेबी अरोगा कर लाड़ तो लड़ाए ही गए। कई वैष्णवों ने श्री जी मंदिर में आकर गौदान भी किया। गोवर्धन पूजा चौक से यह दृश्य उसी के हैं। इसके अलावा श्री जी मंदिर परिसर में आज ब्राह्मणों द्वारा सर्वोत्तम पाठ भी किया गया। आइए उसके भी दृश्य देखिए और पुष्टि सृष्टि में आज जलेबी उत्सव कैसे मना उसका भी आनंद लीजिए। Yeah.
I
बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाट्य, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनुरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि की सभी हवेलियों से दर्शन भेजने वाले मुखिया जी एवं वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।